सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गोरक्ष गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं माइनक्राफ्ट में सर्वाइवल सीरीज, हार्डकोर सीरीज। सॉरी यार, मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि मैं हार्डकोर में खेल रहा हूँ और मैं बार बार उसको सर्वाइवल सीरीज बोल देता हूँ। पता नहीं भाई, मेरे भी अलग नशे हैं। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपने लिए एक बार्न हाउस। बार्न हाउस से क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बार्न हाउस गाइस ये होता है जिसमें हम अपने लिए अलग से एनिमल्स रखेंगे, जहाँ पर काओ, शीप, पिग्स ये सब होंगे। तो देख सकते हो, मैंने अपना जो पूरा शुगर केन जो फार्म था हमारा, वो मैंने पूरा रिमूव कर दिया है। तो अब वहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपना बार्न हाउस। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाइंट ट्यूटोरियल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब मैं बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो सकती है, तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पूरा ट्यूटोरियल नहीं दे पाऊँगा। और अगर आप चाहते हो इसका ट्यूटोरियल तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, इसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको निकाल के दे दूंगा अलग से एक वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। तो भाई मैं घर पर आया हूँ, मेरे को ना थोड़ा बहुत सामान चाहिए जो कि मैंने अलग से बना के अलग से रखा हुआ था, देख सकते हो। तो चलो फटाफट से कलेक्ट करते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं अपना बार्न हाउस। उसके बाद बनाने के बाद मैं आपको जो फाइनल लुक है उसको डेकोरेट करेंगे, थोड़ा ट्रीज़ ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे, और फिर उसको थोड़ा अच्छा लुक देंगे। मतलब देख सकते हो, अच्छा लुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक बार्न हाउस में। मतलब नेचुरल लुक, जैसे कि ट्रीज़ ग्रो होना, और समझ सकते हो आसपास एक हॉर्स स्टेबल हो, अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा एक अच्छा टेक्सचर देता आपके बार्न हाउस को। तो उसी को मैं देखते हुए आज हम वही बनाने वाले हैं। और इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मज़ा आएगा यार वीडियो में। आगे एंड तक ज़रूर देखना, जो हम बार्न हाउस बनाने वाले हैं उसमें आपके भाई की पूरी मेहनत लगे। तो इसके लिए एक लाइक बनता है यार, लाइक कर दो फटाफट से। एक थंब बन के आ रहा होगा वीडियो के नीचे, तो उसको दबा दो फटाफट से। लेट्स गो, अब फटाफट से चलते हैं बार्न हाउस को बनाने। फटाफट से यार चलते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने जो एरिया है जहाँ पर हम अपना बार्न हाउस बनाने वाले हैं। तो ये जो एरिया देख सकते हो पूरा फ्लैट मेरे को करना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसलिए मैं पहले तो पूरा एरिया फ्लैट करूँगा, सारी डर्ट को मैं रिमूव करूँगा। इसी बात पे जब तक आप वीडियो देख रहे हो लाइक कर दो, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दो। और मैंने कितनी बार बोल दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि यार मेरे को बोलना पड़ता, आप करते नहीं हो। चलो अब से नहीं बोलूँगा, ठीक है, अब नहीं बोल रहा हूँ। देखो गाइस, अब नहीं बोलूँगा मैं सब्सक्राइब करने को, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ही कर दो। अब मैंने फिर से बोल दिया, क्योंकि मैंने जानबूझ के बोला, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही होगा हम सब्सक्राइब करवा ही लेते हैं। नहीं करा तो हम घर में घुस के सब्सक्राइब करवा देंगे। सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से चलते हैं सीधा बार्न हाउस को बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा एरिया फ्लैट करना स्टार्ट करता हूँ, जितना भी मतलब जहाँ तक मेरे डायमीटर होगा ना, ये देख सकते हो, देखो ये ऊपर नीचे है, तो जितना भी मेरा एरिया होगा ना उसका पूरा फ्लैट अप होगा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। ऐसा भी नहीं कि पूरा नेचुरल नहीं, अननेचुरल कर देंगे, पूरा एरिया फ्लैट कर देंगे। थोड़ा नेचुरल थीम में थोड़ा चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा एरिया इसलिए फ्लैट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा बेस बनेगा उसको थोड़ा फ्लैट एरिया पे बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बार्न हाउस अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए उस बेस को बनाने के लिए मैं थोड़ा फ्लैट कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप चाहो तो नेचुरल लुक के लिए आप फ्लैट नहीं कर सकते हो, मतलब मैं रेकमेंड ही नहीं करूँगा आप फ्लैट को, क्योंकि जो नेचुरल लुक आपके बार्न हाउस को वो चला जाएगा अगर आप बिल्ड करो भी गए तो बार्न हाउस को। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा फ्लैट करने को। जहाँ वहाँ तक कर सकते हो जहाँ तक आपका बार्न हाउस आ रहा है, मतलब जहाँ तक आपका 13x13 का एरिया वहाँ तक, तो इसलिए मतलब नीचे का जो बेस है उसके लिए कर सकते हो। मैं बेस के लिए कर रहा हूँ, और तो पूरा नेचुरल लुक देंगे। तो चलो फटाफट से ना स्टार्ट करते हो यार, मैं बिल्ड में ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। फिर बिल्ड करने के बाद आपको वीडियो में दिखाता हूँ आपको एंड में कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया। कैसे तो क्या ही करूँ, मैं आपको पूरा बिल्ड नहीं दिखा, अगर मैं आपको टाइम लैप्स में भी दिखाने जाऊँ ना तो वो वीडियो एक घंटे से ऊपर की बन जाएगी टाइम लैप्स में भी। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी और ह्यूज बिल्ड होगा, तो इसलिए फटाफट से करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सो लेट्स गो।
तो गाइज अपना जो बान हाउस है वो बनकर रेडी हो चुका है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी डेकोरेशन का भी काम बाकी है। आपको तो पता है यार, आपका भाई पूरी डेकोरेशन करता है, तो इसीलिए डेकोरेशन का बाद हम काम हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी देख सकते हो एंट्रेंस का काम बाकी है। तो एंट्रेंस के लिए मैं फैंस गेट बना रहा हूँ, और एंट्रेंस अलग से जिसमें हम पूरी मतलब समझ सकते हो ना, एक लामा उसके लिए अलग एरिया रख देंगे, थोड़ी बहुत फार्मिंग कर लेंगे, और एक हॉर्स के लिए रख देंगे, और फिर पूरा ट्रीज ग्रो करेंगे, पूरा जंगल थीम देंगे। तो वो वीडियो को आपको थंबनेल टाइटल में अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को एंड तक देना, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैं हम बना क्या रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्नीक पीक दिख गया होगा बान हाउस का, कोई बात नहीं, मैं आपको ज़रूर वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा। जब तक आप देख सकते हो यह कुछ इस तरीके का ही लुक आ रहा है अपने बान हाउस का, भी के लिए इतना ही है, देख सकते हो कुछ है इस तरीके का अपना बान हाउस है, अभी भी इनकम्प्लीट, अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत एरिया बनाना है, जैसे कि हॉर्स टेबल बनाना है, थोड़ा सा फार्मिंग के लिए, थोड़ा सा वीट ग्रो करना है, थोड़ा लामा के लिए एरिया बनाना है, और थोड़े बहुत ट्रीज भी ग्रो करने हैं आसपास, ताकि जो नेचुरल, आपको तो मैंने बताई थी कि नेचुरल लुक हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर आप भी बनाओगे तो थोड़ा आप ध्यान रखना कि नेचुरल लुक पे ज़्यादा ध्यान दो, तो उससे बेस्ट लुक आपका निखर के आएगा, आपके बार्न हाउस या फिर आपका घर भी है, आपका कोई भी बिल्ड है तो उसमें। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा नेचुरल थीम में की तरफ जाने की कोशिश करना। तो चलो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट से यार दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक, लेट्स गो। लेकिन गाइज उसको दिखाने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो एंड वाला प्रोडक्ट होगा वो ज़बरदस्त होगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स भी कर दिया करो यार, कमेंट्स भी हमें पसंद है, कमेंट्स कर दो यार इस वीडियो पे, आपको हमारा बान हाउस कैसा लगेगा एंड में देखने के बाद, और मैं पता लगा लूँगा, हार्ट स्पैम कर देना कमेंट्स में, और मैं जान जाऊंगा कि आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि कुछ लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर यार भाग जाते हैं, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में हार्ट स्पैम कर देना, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है हमें, कर देना। तो चलो फटाफट से यार, मैं थोड़ा ना वीडियो को बड़ा भी करना होता है यार, समझ रहे हो ना, दिल से बुरा लगता है यार, समझ रहे हो ना, थोड़ा वीडियो को बड़ा करते हैं, इसी बात में थोड़ा से पीजी मारते हैं, तो गाइस इसी बात वीडियो को लाइक कर देना। बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, मैं यही कहूँगा आपको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को, तो मैं यही कहूँगा ना आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन को मैं आपको समझाता हूँ बेल आइकन का फ़ायदा क्या होता है, बेल आइकन जब आप दबाओगे तो मेरी वीडियो का घंटा भी एक नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उस घंटे को दबा के ज़रूर रखना। और मैंने अब ज़्यादा बकवास कर दिया, और बकवास को करते यार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो कोई बात नहीं, अब मैं बकवास को करता हूँ बंद, और मैं जो फाइनल जो प्रोडक्ट होने वाला है मैं आपको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाय गाइस, क्या हाल है आपका, कोई बात नहीं, उसको तो मैंने मार दिया, अच्छा अच्छा हूँ मैं, बहुत अच्छा बच्चा, दिल से अच्छा लगता है हमें। फटाफट से यार दिखाता हूँ आपको फाइनल प्रोडक्ट। तो गाइज यार अपना जो फाइनल प्रोडक्ट, जो अपना बान हाउस है, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और आपने आपको तो भाई मतलब 14-15 मिनट की वीडियो मिल गई यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर 3-4 घंटे आपके लिए, और आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, और पता नहीं मेरे को यार, आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो कमेंट्स कर दो कि मैंने वीडियो को लाइक करने को कितनी बार बोला है, और ये फैंटम भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं, यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट्स कर देना मैंने वीडियो को लाइक करने को कितनी बार बोला है, और कमेंट्स ज़रूर से कर देना यार, और सब्सक्राइब भी करी दो यार, अब लाइक कर ही रहो तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, और फैंटम मर नहीं रहा क्योंकि हाइट कम हमारी, देख सकते हो कॉम्प्लेन नहीं पीता, कोई बात नहीं, आप पीते हो, मेरे को पता आप कॉम्प्लेन पीते हो, ये कॉम्प्लेन नहीं पीता ना हमारा बंदा स्टीव, इसको थोड़ा ऐसे ब्लॉक्स पर चढ़ा के इसको मारना पड़ेगा, ये हमारा देख सकते हो इसकी हाइट छोटी रहेगी क्योंकि ये कॉम्प्लेन नहीं पीता भाई, मैं बोल रहा हूँ ऐसे सस्ती प्रमोशन करवा लिया करो, वैसे मैं बताऊँ कॉम्प्लेन है मेरे को, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करी है, ठीक है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता पियो ना पियो, ठीक है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। अब चलो सीधा चलते हैं, अब आपको दिखाने के लिए, नहीं यार रात हो गई, तो मैं एक काम करता हूँ अपने विलेजर के बेड पे सो जाता हूँ, ये क्या ही करेगा देख सकते हो, और ये आपको मैंने नहीं दिखाया, तो ये विलेजर मेंडिंग वाला विलेजर है, मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं बता ही रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को लैक्टिन बार बार तोड़ना था, फिर इससे मेंडिंग की बुक लेनी थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम हो गया। तो गाइस सामने की तरफ देख सकते हो आपके भाई ने पूरा जंगल ही जंगल बना दिया, आपको तो देख के लग ही नहीं रहा होगा कि हमारा अरे क्या होता है बान हाउस, अरे जंगल में रहेंगे भाई, इसे कहते हैं यार, मतलब इस ये सोच होनी चाहिए ना, जंगल में रहेंगे हम तो, देखो हम तो पूरा मतलब चड्डी पहन के फूल खिलाए करेंगे जंगल में, है ना,
ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो ये देखो मैं आपको क्राउच करके पूरा ऐसे, अरे अरे यार तुम डैमेज दे लो भाई, ये ना स्वीट बैरियर बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। तो आपको दिखाने के लिए ये देखो भाई, ऐसे हमारे कुछ इस तरीके के एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे जब आप एंटर करोगे तो आपका गेट भी बंद करना पड़ेगा। गेट बंद नहीं करोगे तो क्रीपर अंदर आके हमारा पूरा बर्न हाउस ब्लास्ट कर देगा। तो मैं आपको ये देखो मैं कह ही रहा हूँ, ये देखो भाई क्रीपर अंदर, मुझे पता है क्रीपर अंदर है देख सकते हो, और मुझे ये फटेगा यार, मैं क्या ही बताऊँ। बच्चे आके ना गेट खोल जाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ यार, परेशान कर दिया यार बच्चों ने, आके गेट खोल के चले जाते हैं। गेट को बंद करना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ। तो चलो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ को। ये हमारा हॉर्स टेबल जिसको हमने बनाया है बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ज़्यादा परिश्रम, शिद्दत और ठीक है छोड़ो छोड़ो रहने दो, मेरे से नहीं होगा, शिद्दत रहने दो ना। तो ये हमारा बान हाउस कुछ इस तरीके की एंट्रेंस है, देख सकते हो मैंने थोड़े बहुत क्रॉप्स भी ग्रो करे हैं, क्योंकि मुझे पता है शीप और ये काओ और ये पिग बहुत खदे हुए हैं, मुझे पता है यार। ये देखो ये शीप है, कुछ ब्रीडिंग करवा के इतने ज़्यादा संख्या कर दिया हमने अभी से। यहाँ पर भी कुछ शीप है, और बीच में दोनों तरफ काओ है, ये काओ रही, ये पिग है। हेलो टेक्नो ब्लेड, अरे भाई वो बड़ा यूट्यूबर है भाई, लात मारेगा भाई घेर के, मैं बता ही रहा हूँ, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं है, देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके का बान हाउस है। नीचे के फ्लोरिंग में हमने कोर्स डर्ट का यूज़ करा, जो कि ग्रेवल और नॉर्मल डर्ट से क्राफ्ट होती है। और अब ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये देखो ऊपर वाला ये फ्लोर मैंने डेडिकेट करा अपनी स्टोरेज के लिए, और थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, बाय चांस हमें कभी काम होगा तो देख सकते हो। स्मिथिंग टेबल, चेस्ट वेस्ट सब रख दिया आपके भाई ने, तो देख ही सकते हो। और इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो, अरे यार नहीं मांगना था भाई लाइक को, मैंने भाई 50 बार, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मैंने 50 बार बोल दिया लाइक करने को, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप वैसे भी करने नहीं वाले हो, मुझे पता है ना। और ये देखो कुछ इस तरीके का पूरा जंगल थी, मैंने कहा था ना पूरा ऐसा लगना चाहिए कि चड्डी पहन के फूल खिला होना चाहिए ना, पूरा मोगली वाला थीम, वो भी ऐसे जंगल में रहता था, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, वो जंगल में रहता था, चड्डी पहन के फूल खिलाता था। तो ये कुछ इसी तरीके का हम भी फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बात पे इस पीजे के लिए 1 लाइक हो जाए। अरे यार तेरी भैंस की टांग, मैं बता ही रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने लाइक के नशे कर रखे हैं भाई, जब तक तुम लाइक नहीं करोगे मैं बोलते रहूँगा। और ये गेट भी बंद नहीं हो रहा, और बाहर से आवाज़ आ रही, मुझे पता है ये ट्रैक्टर वाले क्या है भाई, अरे वीडियो बना रहे भाई, बना दे दो, हम छोटे यूट्यूबर का थोड़ा सपोर्ट दो गाइस, वीडियो को लाइक कर, फिर से बोल दिया। और ये देख सकते हो हमने थोड़ी बेम्बू की ग्रोथ यहाँ कर दिया, क्योंकि हमें बेम्बू से स्कैफोल्डिंग चाहिए, ऐसे तो हम कुछ ग्रो नहीं करते, हमें फ़ायदा मिलता है जिस चीज़ से हम वही ग्रो करते, नहीं तो इसकी भैंस के टाइम हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, हम क्यों ग्रो करें, हमें फ़ायदा हो रहा है बैम्बू से, हम जब भी ग्रो करेंगे। और मैंने ज़्यादा बकवास कर दिया इस वीडियो में, तो चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, अगर आपके वाले वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को फटाफट से जाकर लाइक कर देना। देख सकते हो लामा, यू आर माई फ्रेंड लामा, देख सकते हो लामा भी कितना खुश है यार जंगल में रह के, देख ही सकते हो ये लामा बोल रहा है मेरे को कब कब ये मेरे को एक थप्पड़ मारे, और कब मैं इस पे पान मसाला थूकू अपना, ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन हम मारेंगे नहीं इसको, ये हमारा प्यारा पेट लामा है। तो चलो गाइस आज किस वाले वीडियो में इतना है, अगर आपको ये वाले पीजे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आए तो भी लाइक ही कर देना यार, क्या ही करें, लाइक तो हम मांगते ही रहते हैं। और कमेंट में यार बता ही देना कि मैंने कितनी बार लाइक मांगा है, क्योंकि मैं लाइक बोल बोल कर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूंगा भाई, मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ, मैं लाइक मांग मांग के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, कसम से बता रहा हूँ मैं, जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं बोलता रहूंगा लाइक करो लाइक करो लाइक करो, इसी बात पे लाइक करो यार। तो चलो गाइस आज किस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाला बान हाउस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वैसे इंटरेस्टिंग माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखने के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल दैट टेक केयर एंड लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो यार लाइक कर दो, अब मैं जा रहा हूँ तो लाइक कर दो, देखो आपको बाद में लाइक करने को नहीं मिलेगा, और कमेंट भी कर दो फटाफट से, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।